नमस्कार, मैं अभिषेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं SS लोकल लाइव। आज जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है एक चेहरा, नाम है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री बड़े सलीके से रहते हैं। बहुत सारे लोग तो उन पर ये भी आरोप लगाते हैं कि बड़े महंगे महंगे सूट पहनते हैं, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री ऐसे भी थे जो सादगी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। नाम था लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आज जन्म दिवस है। गांधी जी का भी है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का भी है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, करीब 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके प्रधानमंत्री रहते ही पाकिस्तान से पहली जंग हुई और 1965 की उस जंग में जनरल अयूब खां के घमंड को चूर करके भारतीय सेना ने जीत हासिल की। लाल बहादुर शास्त्री की सादगी के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। एक किस्सा ये है कि उन्हें एक गाड़ी की ज़रूरत थी, क्योंकि वह निजी कामों के लिए सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। तो वो पहुँच गए गाड़ी लेने, उन्हें फैट कार खरीदनी थी, उसकी कीमत थी 12,000 रुपये, लेकिन उनके पास तो सिर्फ 7,000 ही रुपये थे। तो उन्हें किसी ने सलाह दी कि आप लोन ले लीजिए। जी हाँ, एक प्रधानमंत्री पहुंच गया पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में 5,000 रुपये का लोन लेने। यकीन मानिए, आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई प्रधानमंत्री, तो छोड़िए कोई विधायक भी बैंक में लोन लेने पहुंच जाए। बैंक मैनेजर खड़े हो गए, सिर्फ आधे घंटे में देश के प्रधानमंत्री को 5,000 रुपये का लोन दे दिया गया। लेकिन इस लोन मिलने के बाद शास्त्री जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, जितना जल्दी लोन मुझे मिला, काश इतना जल्दी लोन आम इंसान को भी मिल जाए। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने इस लोन का निपटारा किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे किस्से हैं जो शास्त्री जी की सादगी को दर्शाते हैं। जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे, तब उन्होंने अपने कोच में लगे कूलर को हटवा दिया था। वो दिल्ली से मुंबई जा रहे थे, रास्ते में मथुरा स्टेशन पर उन्होंने अपने कोच में लगा कूलर हटवा दिया। उनका कहना था कि जब पूरी ट्रेन में बैठे अन्य यात्री को ये सुविधा नहीं दी गई, तो मुझे ही क्यों दी जाए। इसके अलावा भी हजारों किस्से हैं शास्त्री जी के सादगी के। एक बार जब उनके बेटे ने उनकी सरकारी कार का प्रयोग किया, तो उसका भी भुगतान उन्होंने सरकार को किया। लेकिन शास्त्री जी की जीवन जितना सादगी से भरा हुआ था, उनकी मृत्यु उतनी ही अजीब ढंग से हुई। 1965 की जंग के बाद प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुँचे। 10 जनवरी 1966 को उन्होंने पाकिस्तान के साथ 9 समझौतों पर साइन भी किए, लेकिन ठीक इसी के बाद देर रात ताशकंद में ही लगभग 1:20 पर उनकी तबीयत ख़राब हुई और रात 2 बजे उनका निधन हुआ। आज तक किसी को नहीं पता शास्त्री जी के साथ उस दिन क्या हुआ था। तो शास्त्री जी का जीवन तो सादगी भरा था, लेकिन उनकी मृत्यु उतनी ही अजीब। आज हम शास्त्री जी का 115वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज गांधी जी की 150वीं जयंती है, लेकिन शास्त्री जी की सादगी हमें उन्हें कभी नहीं भूलने देगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। होगा ये कि जब अगली वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर लाइक भी कर सकते हैं। कैमरे के पीछे थे मेरे साथी कौसर अली। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।